है कि इंडिया ने पूरी दुनिया को बीट कर दिया है डिजिटल पेमेंट्स में। ओमान के सुल्तान बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए हैं जिस तरीके से भारत डिजिटलाइज हो चुका है, जिस तरीके से भारत अब डिजिटल भारत कहलाया जाता है। यूपीआई सिस्टम के दीवाने हो गए हैं और चाहते हैं कि यूपीआई सिस्टम ओमान में आ जाए, तो यूपीआई सिस्टम जा रहा है ओमान के अंदर। पूरी दुनिया इस बात को लेकर शोर मचा रही है कि कैसे भारत डिजिटलाइजेशन के जरिए आगे बढ़ रहा है और डिजिटलाइजेशन का सबसे बड़ा केंद्र बन रहा है। इसमें उसका साथ दे रहा है भारत का अपना यूपीआई सिस्टम, जिसे अब ओमान भी अपनाने जा रहा है। इंडिया ने टॉप किया है वर्ल्ड रैंकिंग इन डिजिटल पेमेंट्स। कि मुस्लिम ममालिक के अंदर भारत की पकड़ मजबूत होती जा रही है। सो द पार्लियामेंट इज मेकिंग मतलब एंजॉयिंग एट द एक्सपेंस ऑफ द पब्लिक, लेकिन हमें दे क्या रहे हैं कॉम्प्रोमाइजेस, हमें दे क्या रहे हैं। अवाम की तो रिट वहाँ पे है कोई नहीं है, अवाम ही नुमाइंदे तो वहाँ पे, वो तो बोलते ही नहीं है। फ्री ट्रेड डील इंडिया और ओमान के दरमियान होने जा रही है। भारत को बहुत ज्यादा प्रेफर किया जा रहा है एज कम्पेयर टू, अगर हम पाकिस्तान की बात करते हैं हमें नहीं देखा जाता, हमें प्रेफरेंस नहीं दी जाती है, हमें कुछ समझा ही नहीं जाता। यूपीआई को 2016 में पब्लिक के लिए ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया था और देखते ही देखते पूरा भारत आज यूपीआई यूज कर रहा है। सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दूसरे ममालिक ने भी यूपीआई में अपना इंटरेस्ट शो किया है। भारत हमसे आगे है, मैं मानता हूँ, हर कोई मानता है इस चीज़ पे। देखें इकोनॉमी के हिसाब से भी वो आगे है, ठीक है, साइंस के हिसाब से भी वो आगे है। अगर आप पूरी दुनिया का 4 कंट्रीज की डिजिटल ट्रांजेक्शन को कंबाइन कर लें तो आपको पता चलता है कि वो एक कंट्री की बनती है जिसने सबको बीट कर दिया है। सरपास इंडिया ने कर चुका है इसमें टॉप वर्ल्ड रैंकिंग इन डिजिटल पेमेंट्स। यहाँ पे हमारे अपने ही क्राइसिस इतने हैं कि हम बात ही नहीं कर सकते कि हम लोगों को अवेयर करें कि नहीं जी आप टेक्नोलॉजी में आए हैं, ठीक है, ये बहुत आपके लिए सेफ है। लोग यहाँ पे डरते हैं, लोग कहते हैं कि नहीं यार ये फ्रॉड हो सकता है। अपना यूपीआई सिस्टम जिसे अब ओमान भी अपनाने जा रहा है। पीएम मोदी ने इस बाबत कहा कि संयुक्त दृष्टिकोण दोनों देशों के बीच साझेदारी को एक नया और आधुनिक आकार देगा। क्या कहेंगे आप इस हवाले से कि इंडिया ने जो है अपने आप को इतना ज्यादा जो है वो डिजिटलाइज कर लिया है? ये वाकई में अगर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा ना किसी भी कंट्री के लिए, अगर वो खुद ही डेवलप करते हैं कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी प्लेटफॉर्म वो अपनी आवाम के लिए लेके आते हैं और आवाम भी अच्छा रिएक्शन देती है, तो ये बहुत ही अच्छा होता है, सही है। और आगे अगर देखा जाए तो पूरे यूरोप में देखा जाए, ये तो एशिया में चले एशियन लोग कर रहे हैं, लेकिन यूरोप में देखा जाए वो खुद को टोटली तौर पे डिजिटल हो गए हैं और डिजिटल का बहुत ज़्यादा फायदा अगर वो ये इंडियन कर रहे हैं, एशियन कर रहे हैं, तो इसका अभी हमें बहुत कम इसके मतलब नॉलेज है, लेकिन जिन लोगों को नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ग्रूम करेंगे जिस तरह वो कर चुके हैं यूरोपियन कंट्री। इससे अब देखें ना ट्रांजेक्शन कोई भी कर रहा है, अब पूरे इंडिया में वो मुतारफ़ करवा दी है एप्लीकेशन। आप बाहर की कंट्रीज भी उससे चाह रही हैं कि हम अपने मुल्क में ये ऐप यूज़ करें। जी जी ऐसे ही है, चाइना में भी एप्लीकेशन, वो अब नेट कैश का तो टाइम ही ख़त्म हो गया, इसमें थेफ्ट के अच्छे भले प्रॉब्लम होती है कि अब कराची में देख ले बंदा सोच सकता है कि अब अपने अपने साथ 10,000 ही लेके जाए, उसी जगह पे आपकी एप्लीकेशन में अगर आपने किसी को देने हैं उसके पास भी एप्लीकेशन है, आपने जस्ट एक कोड याद रखना है, उसके ज़रिए आपने ट्रांजेक्शन कर ली, आप महफूज हैं। ये बहुत ही अच्छी उनकी बात है कि अगर उन्होंने ये किया और अगर उन्होंने बहुत अच्छा रिस्पांस मिला, अब हमारी तरफ देख लीजिए जैज़ कैश इजी पैसा ऐसी वैसी एप्लीकेशन की है और ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। पाकिस्तान को पता है कि इंडिया में कोई भी जो है वो कैश यूज़ ही नहीं करता, वहाँ पे छोटे से छोटा वेंडर, सब्जी वाला, छाबड़ी वाला, जर्नल स्टोर, हर जगह यूपीआई ऐप का इस्तेमाल होता है, लेकिन पाकिस्तान में मुझे नहीं लगा, मैंने अभी तक कहीं पर इतना ज्यादा इन चीजों का यूज देखा ही नहीं है। ऐसे ही है ना, असल में पहली बात तो एक तो इन्फॉर्मेशन नहीं है, बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है लोगों को, और जो स्टूडेंट है उन्हें है वो इस तरीके के इस्तेमाल करते हैं एप्लीकेशन, आप जैज़ कैश और दूसरा, लेकिन इंडिया में ये ऐसा सीन है कि उनके जो मिनिस्टर्स हैं वो भी इस चीज़ को ना फ़रोग दे रहे हैं कि नहीं आप करो, डिजिटल हो, इससे बहुत ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। अब वहाँ पे रेडी वाले भी यूज़ कर रहे हैं तो कैसे रेडी वाले को पता चला, वो तो अनएजुकेटेड है, उससे तो नहीं पता चलना, लेकिन मेन ये है कि आपकी न्यूज़ में आ रहा है कि भाई आप डिजिटल हो, ठीक है, इससे बहुत ज़्यादा फायदा होगा। कैंपेन्स लॉन्च की होगी, लोगों को अवेयर किया होगा इस हवाले से ताकि हर बंदे को पता चले कि आपने इस तरह से, अब यहाँ पर देखें गन पॉइंट पे कोई भी आता है किसी को भी लूट कर चला जाता है,
कोई भी यहाँ पे महफूज नहीं है। ऐसे ही है ये पाकिस्तान की सिचुएशन बहुत ही ज्यादा हॉरिबल है, बंदा इमेजिन भी नहीं कर सकता। अब आपको पूरी दुनिया को बीट कर दिया है डिजिटल पेमेंट्स में। इंडिया ने टॉप किया है वर्ल्ड रैंकिंग इन डिजिटल पेमेंट्स, और इसमें जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो हुई हैं 89.5 मिलियन डिजिटल ट्रांजेक्शन्स इन दी कंट्री। पूरी दुनिया को बीट कर दिया है डिजिटल पेमेंट्स में। तो इस वक्त हम बात कर रहे हैं उस डिजिटल इंडिया की जिसने सबको पीछे छोड़ दिया है, जिसमें चाइना भी है और भी तमाम कंट्रीज हैं दुनिया के। तो ज़रा देख लेते हैं कि और कौन से कंट्रीज़ हैं और वो किस नंबर पर आ रहे हैं। पहले नंबर पर, जैसे मैंने बताया कि इंडिया की जो डिजिटल ट्रांजेक्शन्स कही जा रही हैं वो 89.5 मिलियन डिजिटल ट्रांजेक्शन्स हैं। अब इसको आप, मेरा ख्याल है कि 9-10 करोड़ के करीब ये बनती हैं, हो सकता है ये कुछ आगे पीछे हो, लेकिन इसमें जो डेटा मेरे सामने है वो 89.5 मिलियन है। इंडिया के बाद दूसरे नंबर पर जो कंट्री है वो है ब्राज़ील, और उसने 29 मिलियन डिजिटल ट्रांजेक्शन्स की हैं। अब देखिए आप, 29 मिलियन और 89.5 मिलियन में बहुत फ़र्क है, यानी जो सेकंड नंबर पर आने वाला कंट्री है वो भी इतना पीछे है। तो अगर आप पूरी दुनिया का 4 कंट्रीज़ की डिजिटल ट्रांजेक्शन्स को कंबाइन कर लें तो आपको पता चलता है कि वो एक कंट्री की बनती है जिसने सबको बीट कर दिया है, सरपास इंडिया ने कर चुका है इसमें टॉप वर्ल्ड रैंकिंग इन डिजिटल पेमेंट्स। तो 4 मुल्कों की टोटल मिलाकर एक मुल्क की बन रही है। अब ये क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है? देखिए, ये तो आप पता ही आपको, और हम इसके ऊपर बात भी करते रहे हैं कि जो कैशलेस इकोनॉमी है दुनिया उसी की तरफ बढ़ रही है बहुत तेज़ी से। तो इसमें कई कंट्रीज़ हमें बहुत टॉप ऑफ द लिस्ट नज़र आते हैं। अच्छा, डिजिटल पेमेंट्स का के बेनिफिट्स क्या हैं? बहुत सारे पेमेंट बेनिफिट्स हैं, लेकिन इसमें एक बड़ा बेनिफिट ये होता है कि जो आपके टैक्स से लोग बच जाते हैं ना, तो जब आपका इस वक्त हालत ये है कि आप अपनी जमीनें तक बेचने और गिरव रखने पे उतर आए हैं, जिसको आप जो है वो मॉडर्न कॉरपोरेट फार्मिंग कहते हैं। दुनिया के किसी मुल्क में आप मुझे मिसाल दे दें जहां इस तरह की कॉरपोरेट फार्मिंग हो कि आप मल्टी नेशनल कंपनीज या दूसरे मुल्कों की कंपनी को अपनी जरूरी ज़मीनें जो हैं वो जो है वो दे दें और आप कहें कि जी ये यहाँ पे हम कॉरपोरेट फार्मिंग कर रहे हैं, तो उस वो ज़मीनें अगर वो आगे बेच दें, आप तो किसी हुकूमत को तो नहीं दे रहे ना, प्राइवेट कंपनीज को दे रहे। और ये मैंने पहले भी अर्ज किया था कि कोई भी प्राइवेट कंपनी जो आपकी ज़मीन ले रही है उससे वो उसके जितने भी एसेट्स हैं या कारोबार हैं कल कोई दूसरी कंपनी ले सकती है, जिसकी वजह से मसलन जो है आपकी सारी जो कंट्रोल है अपनी ज़मीनों पे कॉरपोरेट फार्मिंग के नाम पे वो ख़त्म हो जाता है।